मैं मुख्तसर रखूंगा, माजरा चाहता हूँ, गला मेरा काफी खराब हुआ है जी। सबसे पहले ये मुस्लिम लीग नून के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ने जो बात की, इन साथियों को, इन लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं कि तोशा खाना से इन्होंने तो पाइन एप्पल नहीं बख्शा, पाइन एप्पल वो पाइन एप्पल का तो हिसाब दे दें। एक गाड़ी जो थी वो हजम कर गए, रूल्स में अलाउड ही नहीं, बीएमडब्ल्यू ले गए, वो खुद उस पर कभी मरी जा रहे हैं तो कभी किधर जा रहे हैं, उसका तो हिसाब दे, वो कहां पे गई, वो करप्शन नहीं है, वो हलाल है, वो कोई हलाल करप्शन के जुमरे में आती है, इसका तो इस कौम को जवाब दे। इन चीजों को देख के स्पीकर साहब, कौम के नौजवानों ने जो धोबी पटकार इनकी निकाली है वो आज देखें, धोबी पटकार तो निकली, और जिस वक्त वो कपड़े लगाए सूखने के लिए तो रातों रात किसी ने आके तो ड्राई क्लीन मशीन में घुसा दिया और फॉर्म 47 सुबह निकाल दिया। ये फर्क हुआ है, और खुद भी ये फॉर्म 47 के बेनिफिशियरी है माशाल्लाह। यहां पे ये घुसपैठिए लोग बैठे हुए हैं, आते हैं जनाब ये कानून की बालादस्ती के बारे में, वाह वाह वाह। इनके लीडर साहब ने इसी ऐवान के कमेटी रूम नंबर टू में नीचे जाके सारों को बुलाया हुआ था, कहा था मुझे तरकीब दे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह साहब को उस वक्त मैं किस तरह हथकड़ियां लगाऊं, तारीख का हिस्सा है, जाके देख ले। तीसरी चीज, राणा सना के बारे में बात की, तो इनका इनकी हुकूमत ही ना डीजी एंटी नारकोटिक्स इनके नीचे आता था, उस डीजी नारकोटिक्स को इनके दौर वाले को कहते कि जो पिछला डीजी नारकोटिक्स है उसके खिलाफ एफआईआर काटे, राणा सनाउल्लाह या मस्कीन है या इनोसेंट है तो उसके खिलाफ अपॉलॉजी दे, नहीं कर सके क्योंकि जनाब वाला ये जरूरत नहीं कर सकते थे, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स अपने मौकफ पे कायम थी, ये उसे अपॉलॉजी भी माजरत नहीं करा सके तो किसके बारे में बात करते हैं, किसको ये बेवकूफ बनाते हैं। जनाब स्पीकर, ये बात करते हैं आईन और कानून की, ये हम सारों में गुस्सा क्यों है, ये इनकी हुकूमत थी, पुलिस फोर्स इनकी थी, मेरे इस महबूब कायद के खिलाफ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जब टीयर गैसिंग हुई, जब ट्रैप सेट किया गया, हम लोग उधर थे, रबर बुलेट्स चलाई गई, टीयर गैस शेलिंग हमने खाई, पुलिस ने पथराव किया, स्ट्रेट फायर टीयर गैस का आ रहा था, लाठियां हमने खाई, हम सारे जितने यहां पे मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, बात करते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर की, बात करते हैं ये कानून की, इनको शर्म नहीं आती, यहां पे इनके चेहरे देखे। शुक्रिया, मैं एक सेकंड जनाब स्पीकर, मैंने बात खत्म करनी है, प्लीज सर, इन्होंने बात करनी है। जनाब स्पीकर, जिस वक्त आईन और कानून की बात होगी, पहले आप प्लेइंग फील्ड को हमने लेवल करना है, जिस वक्त आप गेम करते हैं, हॉकी या क्रिकेट खेलते हैं, उसमें टेबेट आए होते हैं, उसमें आपका लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता, पहले उसको आप लेवल करते हैं। ये हमारे साथी यहां पे हम लोग आए, पहले ये लेवल, ये इस प्लेइंग फील्ड को हम लोग लेवल करेंगे, फिर गेम लगाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू तारण साहब, बस खत्म हो गया ना आपका पॉइंट, आ गया आपका व्यू पॉइंट, आ गया सर। जनाब स्पीकर, आपको एक मिनट वाइंड अप करने दे, वाइंड अप तारण साहब, एक सेकंड जी, प्लीज वाइंड अप सर। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर एक बात जी, जनाब ये फॉर्म 47 वाले फिर उठने वाले, ये जैक इन द बॉक्स 47 उठते जाएंगे, पर ये याद रखें कि अवाम का रोलर जो है वो इन सारों को बिल्कुल लेवल कर देगा। इनकी आप देखेंगे अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला रिफॉर्म्स करेगी ये पार्लियामेंट, हम लोग करेंगे, तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाएंगे,
और इनका ये बोगस सिस्टम फॉर्म 47 का वो अब खत्म। शुक्रिया शुक्रिया तार साहब, प्लीज मेक इट शॉर्ट।